वेलकम बैक जी, वापस आ गए हम. और शो के शुरू में जैसा कि मैंने कहा था कि सहेलियों जाग जाओ, इसलिए क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात बहुत जल्द होने वाली है. और उसके लिए आपको SMS करना है 2886 के ऊपर. facebook.com/जी सहेली लिखकर आप हमें अपनी एंट्रीज भिजवा सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स यू कैन कॉल अस, कॉल करके भी हमें बता सकते हैं. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटर लिखकर भी बता सकते हैं. इस वक्त एक बहुत ही प्यारी सी मेरी एक ऐसी सहेली जिनसे मेरी कभी कभी मुलाकात होती है, मगर हमारी बड़ी दोस्ती है. एंड शी इज़ अ स्टनर, अमेजिंग, गॉर्जियस, ब्यूटिफुल. एक ऐसा नाम हमारी स्क्रीन का कि जितना अरसा वो हमारी स्क्रीन पे नहीं रहा तो हमारी स्क्रीन बड़ी फीकी फीकी सी रही है. बट शी इज़ बैक अगेन इन टाउन एंड इन लाइम लाइट एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी. वी हैव ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस बिंदिया जी. अस्सलामुअलैकुम. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है. काला जोड़ा आपने खूब चूज करके पहने. एंड यू लुकिंग गॉर्जियस इन दिस ब्लैक. या बिकॉज़ एक्चुअली आई वोर दिस इन वन वीडियो विद अताला नियाज़ी. अच्छा अच्छा अच्छा. सो आप उसका वही था कमीज तेरी काली वाला तो नहीं? कमीज तेरी काली वाला बिकॉज़ ही इज इन लव विद ब्लैक जोड़ा, स्पेशली ऑन वुमेन. यू कैन नेवर नो हु इज इन लव विद clothes or women or no women or no clothes. अच्छा, I think हम उधर जाना, जरा थोड़ा साइड रुख चेंज कर लेते हैं. बिंदिया जी, आप कैसी हैं? आपको हम रमजान से आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जरा दूर दूर हुई हुई. और सुना है कि पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी इस वक्त मौसीकी के ऊपर है, म्यूजिक. जी, हम अपनी एल्बम निकालना चाह रहे हैं. Thinking of making it an Eid release. अच्छा, brilliant. So if I can be able to finish the videos. सो कॉन्सेंट्रेशन इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आप कॉन्सेंट्रेट करके एक काम नहीं ख़त्म करेंगे तो यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग. बिल्कुल. सो वो एक्टिंग में तो एक प्ले के लिए आए थे एंड देन आई रिकॉर्डेड अबाउट 12-13 प्लेज एंड आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग प्लेज. बट हमने थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहा ताकि एक दफ़ा एल्बम बन जाए. ठीक. तो फिर देखी जाएगी. हम अपने गाने गाना चाहते हैं. सही. अब आप अपना वो काम करना चाहती हैं जो आपका दिल चाहता है कि आप करें, जो आपको खुशी देता है. हाँ बिल्कुल. हमें पता नहीं था ये हमारा, ये गाने तो हमारे सब बनाए हैं राहील फियाज ने. यंग लड़का है एंड बड़े बॉयंट अप्रोच है. सो आई थॉट लेट मी गो विद अ यंग गाय टू मेक दिस सॉन्ग सो ही नोज द क्राउड, यू नो, एस्थेटिक सेंस कि क्या लोग चाहते हैं. काफी म्यूजिशियंस हमसे नाराज हो गए लेकिन हम उन तक भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह. और हमारे शायर हैं फैसल, बहुत अच्छे पोइट्री लिखते हैं. सही. क्योंकि हमें बड़ा चुन के गाना गाना पड़ता है ना, देखना पड़ता है कि इमेज क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमें आई कैन नॉट जस्ट गो एनी सिंग एनीथिंग. सो हमने वो इंग्लिश, उर्दू, स्पेनिश मिक्स करके गाए हैं गाने. अच्छा. हाँ, वो भी थोड़ा सा टच दिया है हमने. अच्छा, अगर हम आपकी एल्बम को देखें, जाहिर है हम लोग ने तो अभी तक ना देखा ना सुना ऐसा, एक दो आपके सॉन्ग्स जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर अक्सर औकात सुनने को मिलते हैं, मगर अगर हम आपकी एल्बम के हवाले से बात करें तो क्या फोकस है? होता है ना एक आपकी लाइन होती है कि हिप हॉप हो गया या क्लासिकल हो गया या मेलोडियस सॉन्ग्स हो गए, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए, सैड सॉन्ग्स, आपका क्या फोटे बन रहा है इस एल्बम को? देखिए, पहले जब हमने शुरू में हम अमेरिका गए थे, हमने कुछ गज़लें बनाई थी. ठीक. बिकॉज माई ब्रदर हैड डाइड और सब्र नहीं आ रहा था. oh. तो हमने ऐसे ही एक नात गुनगुन वो पढ़ी. हाँ. तो वो ज़रा सुकून मिला. तो फिर हमने कहा ये तो अच्छा है. आई नेवर न्यू कि दिस वॉज अ टैलेंट इन माई सेल्फ. बट हैं तो घराने के, आई एम फ्रॉम कैलकटा बंगाल. सही. सो वो गाना और मौसीकी तो सब घर में होता ही था लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ जैसे लोग प्रोफेशनली इसको हाँ डिग्रेड करते हैं कि मरासी हैं या वो. बड़े डिसेंटली अच्छी तरह से सुबह नमाज पढ़ने के बाद रियाजत होती थी. मम्मी बहुत अच्छा गाती थी रोशन आरा बेगम के लेवल का, लेकिन नेवर शी सॉन्ग फिल्म सॉन्ग. सो देन वो था. बट देन व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, एक दो गानों के ऊपर हम चले गए. वो कौन से थे एक दो गाने? गजलें थी. अच्छा. बड़ी स्लो, मतलब गीत नुमा गजलें थी. अच्छा. क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें. ठीक. तो फिर हमने इन्वेस्टर भी नहीं लिया क्योंकि इन्वेस्टर आपको तो ठरकी होते हैं. सॉरी, आई एम सो सॉरी. यहां पे कोई इन्वेस्टर नहीं बैठा हुआ. हाँ, तो लेकिन आप मतलब वैसे वाकई ठरकी होते हैं. यस, यू टॉक टू एनीबॉडी, प्लीज स्पॉन्सर माय वीडियो, स्पॉन्सर माय कैसेट. अच्छा जी, हम ये करेंगे तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? ड्राइव करते. मैंने कहा हम आपको दुआएं देंगे या किक मार के आपको बाहर गाड़ी के उतार देंगे. सही. और गाड़ी भी आपकी गाड़ी में से उतारेंगे और आपको गाड़ी लेके चले जाएंगे आके पिकअप द कार बिफोर माय हाउस. हां बिल्कुल ठीक. आई मीन आई डोंट लाइक दिस थिंग व्हेन यू वांट टू बाय समबडी फॉर व्हाट. आई हैव अ टैलेंट, यू आर बाइंग माय टैलेंट. आप स्पॉन्सर करेंगे और आपका नाम जाएगा. कई कहते हैं जी हम नाम नहीं देना चाहते, तो चलो ठीक है हम आपके लिए शोज कर लेंगे. कोई डील मुकाओ, लेकिन डोंट टॉक like that nonsense bilkul. I know. Acha, ye bahar ke mulkon mein aisa nahi, har jagah mulkon
पूरी दुनिया में ऐसा है, ऐसे ही है। यू कैन नॉट से कि आदमी यहाँ के अच्छे बुरे हैं या बाहर के अच्छे बुरे हैं, औरतें सब डिफरेंट होते हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक। लेकिन हमने जो एक्सपीरियंस किया ठीक, तो इट वाज गेटिंग सिक ऑफ इट। मैंने कहा अब टाइम आ गया कि हम अपना खुद ही इन्वेस्टमेंट। देखिए आप विंध्या जी, थोड़ी अब ज्यादती आप भी कर रही हैं, एक इतनी हसीन खातून, ठीक है, अब आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यू नो, ऐसा तो नहीं, खातून हसीन है, खातून होनी चाहिए। हाँ। तो आप उसको हथौड़े मारे बस, खातून होनी चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कि हसीन है कि और ये हमें मालूम नहीं है कैसे हमने इस फील्ड में इतना नाम कमाया है। हाँ। जबकि माजत से हम क्या चाहेंगे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, किसी को इनवाइट नहीं किया, किसी को चाय का प्याला नहीं पिलाया, और इसके बावजूद देखिए, आई वॉज नेवर द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोड्यूसर्स, आई वॉज ऑलवेज द लास्ट चॉइस। हमारे तो उस वक्त चार बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, बस हम कहते थे काम दो, काम आता है, काम करेंगे एंड देन गो, राइट राइट, जस्ट हैंड ओवर द स्क्रिप्ट टू मी इन माय हाउस और आई विल कम एंड पिक इट अप फ्रॉम द टीवी स्टेशन। तो वो चार स्टेशंस पे, आपको पता, क्वेटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो जहाँ शनाज शेख को कास्ट करते थे, अनकही में जो थी, बहुत प्यारी, हमें बहुत प्यारी लगती है, तो उनकी मियाँ से भी अगले दिन बात कर रहे थे। तो यहाँ पायलट बनता था किसी और के साथ, देन दैट इट्स बी रिजेक्टेड एज टू कम बैक, तो कहते थे बिंदिया को वो बहुत शनाज शेख है, कर लो शनाज, आपकी वजह से हम भी कास्ट हो जाते हैं। सही। आपका डर इतना है। सो एनीवेज, बट आई नेवर न्यू दैट आई हैड दिस टैलेंट ऑफ सिंगिंग, एंड आई स्टिल डोंट थिंक आई सिंग दैट वेल, बट बस इट्स फॉर अ कथा। व्हाई यू सेइंग दैट? नहीं, आई एम जस्ट बिकॉज़ आई हैव नॉट लर्न द बेसिक्स। अच्छा, अभी फिर हमारे आपके ऐसे प्लान्स हैं? नहीं, हमारे वो राहिल ने हमें जब गवाया, तो कहते हैं हमारी शक्ल देखिए, मैंने कहा बिंदिया जी आपने गाना ही है तो जरा सीख लें। तो हमने कहा आप हमें ताने दे रहे हैं, कहते हैं, हमने कहा आपको पता है हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करते हैं, तो किधर जाएं, कहते हैं वो एक जफर भाई हैं, उनके पास जाएं। सही। तो जफर से आई वाज लर्निंग। अच्छा, जो हाँ वो बस आवाज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासिकल तो अभी स्टार्ट करना है, कर लिया है, लेकिन ज्यादा शौक हमें क्लासिकल का है। अच्छा। जैसे डांसिंग में भी क्लासिकल का है। oh. अभी नेक्स्ट, यू आर अ क्लासिकल पर्सनालिटी ना, इसलिए आपका क्लासिकल चीजें सीखने को दिल चाहता है। अच्छा, आज हमने पूरा फोकस करना है आपके प्रोफेशन के ऊपर, बिकॉज आप कराची भी चली गई, आपने वहाँ सेटल भी होने की कोशिश की, मगर कुछ हालात ऐसे हो गए, उस हवाले से हम सारी गुफ्तगू करेंगे। हाँ। बहुत सारी बातें करने के लिए, मगर रुकना यहाँ पे ब्रेक के लिए, वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वील कम बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक।